आत्म साक्षात्कार आदमी को उसका जो विश्वास होता है वो अंधा विश्वास नहीं होता, वो साक्षात में विश्वास। साक्षात कोई भी चीज अंधे से मान लेना ये मनुष्य के लिए शोभा नहीं देता। आप पहले इसका साक्षात करिए, पहले आप सत्य को जान लीजिए, और सत्य को जानने के बाद आप जानिएगा कि आप कितने महान और गौरवशाली हैं। अभी तो आप अपने बारे में कुछ जानते ही नहीं। जैसे कि किसी छोटे गांव में चले जाइए जहां बिजली नहीं कुछ नहीं, और टेलीविजन ले जाइए और उसे कहे कि देखो इसमें सब तरह की फिल्म आएंगी, फोटो आएंगे, ये कल है ये डब्बे में, इस डब्बे में कल, हाँ इसी डब्बे। जब उसका कनेक्शन हो जाता है तो वो है ना, इस डब्बे में इस चीज कैसे है। ऐसे हम भी अपने को एक डिब्बा समझते हैं। और खासकर बंगाल में मैंने देखा है कि इंसान बहुत निराश रहता है हमेशा, और रोने के ही गाने गाते रहता है, रोने में रहता है। अब दिन बदल गए, ये समझना चाहिए कि नया समय आ गया। ये बड़ा एक विशेष समय, इसको मैं ब्लॉसम टाइम कहती, बसंत बहार कहती हूँ। लेकिन बहुत से लोग इतने निराश हो गए, इतने निराशा में फंसे हुए हैं कि वो समझ ही नहीं सकते कि इस निराशा के बाद एक बड़ी भारी सुबह होने जा रही जो सारे दुनिया में छा जाएगी, और वो आज का समय है। लेकिन सहयोग में एक ही बस बात है कि आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको इसको बहुत पल्लवित करना है, बढ़ाना है, वृक्ष बनना है। यही लोग कम हो जाते हैं, जैसे अभी मेरे लेक्चर में इतने लोग आए, पिछली मर्तबा से कम है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बनना होता है। ये नहीं कि मैं सहयोगी हूँ, नहीं, सहयोगी का मतलब ये कि आपके अंदर क्या क्या शक्तियां जागृत हुई। सबसे तो पहले आपको वो स्थिति मिलती जिसे हम लोग निर्विचार समाधि कहते हैं। विचार हमारे अंदर आते हैं और जाते हैं, भूतकाल से भविष्यकाल तक हम सोचते रहते हैं, पर वर्तमान को हम नहीं जानते, और वर्तमान असलियत है। तो विचार उठे नीचे गए, फिर विचार उठे नीचे गए, उसके बीच में एक जगह है जिसे विलंब कहते हैं, पॉज। वो विलंब को हम नहीं पकड़ पाते जहां वर्तमान है, या तो आगे की बात सोचते हैं, पीछे की, जैसे अभी जिनको जाना है वापस सोच रहे होंगे कि अब ट्रैम मिलेगी नहीं, बस मिलेगी नहीं, ये है नहीं वो नहीं, या तो पिछली बातें सोचते रहे। और मैं अगर कहूं कि अभी वर्तमान में आप खड़े हो जाइए तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक विचार उठा खत्म, दूसरा विचार उठा खत्म, और हम उसके ऊपर में नाचते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी जागृत होती है तो विचार लंबाकृत हो जाते हैं, ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं लंबाकृत, और उसके बीच में जो जगह बन जाती है, और वर्तमान में आप खड़े हो जाते हैं। और जब आपका चित्त वर्तमान में होता है तो आप कुछ नहीं सोचते, निर्विचार, और निर्विचार में आनंद झरने लग जाता है। अब जैसे यहाँ एक बड़ा सुंदर कारपेट है, एक उदाहरण के लिए, तो मैं कहूँगी भाई कितना सुंदर है, अब मैं करिए, मेरा है तो मेरे लिए सर दर्द हो जाएगा कि भाई खराब ना हो जाए, ये नहीं वो नहीं, इंश्योर करो, सब जो होते हैं प्रॉब्लम्स कोई चीज़ पाने के, और मेरा नहीं दूसरे का है तो मैं ये सोचूंगी कितने का मिला, कहाँ मिला, कब पाएंगे ये। लेकिन अगर हम निर्विचार इसे देखें तो इसको बनाने में जिस कलाकार ने अपना आनंद बूट दिया है, वही आनंद सर से लेकर नीचे तक ठंडा ठंडा बहना शुरू हो जाए, और उस आनंद में आप स्नात हो जाएंगे। जब आप निर्विचार हो जाते हैं तब आप अपने शांति में खड़े हो जाते हैं। शांति, ये कहने की बातें हैं कि शांति के बड़े बड़े इन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, शांति में अवार्ड्स दिए, ये वो, मैंने तो बहुत से लोगों को देखा है जिनको बड़े शांति अवार्ड्स मिले, इतने गर्म होते हैं, इतनी गर्म तबीयत कि उनसे अगर मिलना हो तो एक लकड़ी जाग लेके जाइए सामने, और नहीं तो लेके दो चार झापड़ी मार देगा, कोई आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, इतने गुस्से ले लो, उनमें कोई प्रेम की झलक भी नहीं, वो क्या शांति दे। और उनको इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, पता नहीं किस तरफ से देख के दिए उनको इंटरनेशनल। इस प्रकार हम लोग बिल्कुल भुलावे में रहते हैं
क्योंकि हमारे अंदर की जब शांति प्रस्थापित होती है तब हम समझते हैं कि शांति क्या होता है। जैसे कि आप पानी में खड़े हैं तो आप परेशान हैं उसकी लहरों से, क्योंकि लहरें आकर के आपको डरा रही कि कहीं डूब ना जाए। पर अगर आप किसी नाव में चले जाए तो आप लहरें देख रहे हैं, मजा आ रहा है, आपको घबराहट नहीं। पर अगर आप तैरना जानते हैं तो आप कूदते हैं नीचे में और जो डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। इसी प्रकार सहज योग में आपकी प्रगति होती है। पहले आप निर्विचार समाधि में उतरते हैं, फिर आप निर्विकल्प समाधि में। कभी कभी ये किसी किसी को दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दोनों चीज एक साथ घटित होती है और इसमें इंसान जो है उस शांति को भी प्राप्त करता है और उन शक्तियों को भी प्राप्त करता है जो उसके अंदर निहित है। पर उसका कोई वो ये नहीं उसके लिए बाल मुंडा ले या उसके लिए भगवा वस्त्र पहने, कुछ ये सारे भाव अंदर। आपको तो राजा जनक की कहानी मालूम है, मुझे नहीं बताना चाहिए, पर जैसे अब मैं गृहस्थ हूं, मेरे पति ऐसे ऐसे है, चलो उन्होंने कहा तो कपड़े पहन लिए अच्छे, कहा तो जेवर पहन लिए। जब किसी चीज को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ेंगे? अगर आपने पकड़ के रखा है तो आप छोड़ सकते हो, पर पकड़ा ही नहीं तो छोड़ो क्या? इस तरह की स्थिति जो है संन्यास्त अंदर से होती है, बाह्य से दिखाने की स्थिति नहीं होती। बाहर से तो कपड़े सन्यासी के पहले अंदर धंधे चोरों के, इसका फायदा क्या? तो ये जो ढोंग है ये सब खत्म हो जाता है, क्योंकि मानव अपनी इज्जत करने लगता है, अपना मान उसको होता है, उसके अंदर एक तरह की चमक आ जाती है कि मैं क्यों, मुझको क्या करना। और ये आत्म साक्षात्कारी लोग ही दुनिया में बड़ा बड़ा नाम करते हैं, जैसे अपने तिलक साहब, तिलक आत्म साक्षात्कारी थे इसमें कोई शक नहीं। अब्राहम लिंकन थे वो आत्म साक्षात्कारी थे, शास्त्री जी थे वो आत्म साक्षात्कारी। हमें तो हम कहते हैं कि जो लोग आत्म साक्षात्कारी नहीं वो कभी भी सत्य पे टिक ही नहीं सकते।